नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची, और ये है मोटी वाली हरी मिर्ची, आप सब देख सकते हैं। इसके साथ लिए हमने नींबू, राजस्थानी मिर्ची इसको बोलते हैं शायद राजस्थानी मिर्ची, और ये लिया है सरसों, और ये है बेसन। सबसे इसका जो मटेरियल है बेसन है, बेसन भर के मिर्ची बनानी है फ्रेंड। इसमें हमने सरसों का तेल लाइट ले लिया है थोड़ा सा, और उसमें अजवाइन थोड़ा सा डाला है, और उसमें लगा दिया है तड़का बेसन का, और बेसन को अच्छे से थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए उसमें हल्दी लाइटली, नमक और लाल मिर्ची और अमचूर पाउडर आपने थोड़ा सा इसमें डाल देना है, और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और उसके बाद इसको हम अब इसमें भर देंगे। भरने के बाद अगर आपको खट्टा बाय द वे थोड़ा सा और चाहिए तो ये नींबू है ना काट के ऊपर से डाल देना भरने के बाद। और उसके बाद ये सरसों में हम तड़का लगाएंगे सरसों का, थोड़ा सा सरसों के तेल में, और ये राई को डाल के और फिर तड़का लगा देंगे फ्रेंड। और सबसे टेस्टी दाल और सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। देखिए मिर्ची को भर दिए हुए, देखो इसमें जो मटेरियल था ना बेसन का, इसमें भर दिया, और थोड़ा सा तेल लिया और उसमें राई डाल दिया, और उसके बाद हम मिर्ची को इसमें डाल देंगे, और उसके बाद लाइट सा नींबू का रस ऊपर से निचोड़ देंगे, और इसमें नमक भी डालना है, ठीक है। नमक मैंने नहीं बताया, इसमें नमक भी डालना है। और फिर तेल डाल दिया, उसमें राई डाल दी, इसके बाद इसमें मिर्ची डाल देंगे, और जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाए मिर्ची को फिर बंद कर देना है। और थैंक यू, आप सब बनाइए और खाइए।